हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिटनेस विद निकिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्यूरिंग पीरियड्स आप किस तरीके से अपना फैट लॉस कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि ड्यूरिंग पीरियड्स लोग रेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं बजाय वर्कआउट के या कुछ भी काम करने के। तो आज मैं आपके लिए जो वर्कआउट लेकर आई हूँ वो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, उसको आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होती है, एक गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से आप अपना फैट लॉस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार या जितनी आपकी बॉडी आपका साथ देती है उतना ही आप वर्कआउट करिएगा अपनी बॉडी के साथ, ज़्यादा खींचातानी मत करिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम मैट पर आ जाएंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, अपने नी हक करेंगे, अपने नी को इस तरीके से प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको इसको सिर्फ 5 टाइम्स करके दिखाया है, आप इसको 10 से 12 बार करेंगे और 3-3 राउंड्स करेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट आप करेंगे हाई नीज, अपने हाथों को इस तरीके से अपनी वेस्ट में रखेंगे और धीरे धीरे पैर को अप इस तरीके से लिफ्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भी आपको 10 से 12 बार करना है और इसके भी आपको 3 राउंड्स करने हैं। अगर आपको पेन बहुत ही ज्यादा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, हम अपने लेग को आगे की तरफ लिफ्ट करेंगे बहुत ही धीरे धीरे। आपके जो हाथ है वो सर के पीछे इस तरीके से और अपोजिट लेग को टच करेंगे क्रॉसिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको भी आपको 10 से 12 बार करना है और इसके आपको सिर्फ 2 राउंड्स करने हैं। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, आपका एक हाथ आपके वेस्ट पे होगा, दूसरा हाथ आपका ऊपर इस साइड और अपनी साइड में लेग को लिफ्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। आप जितना ऊपर अपनी लेग को लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करेंगे। दोनों साइड से आपको कम से कम राइट से 10 बार और लेफ्ट से भी 10 टाइम्स आपको करना है और इसके भी आपको 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सुमो स्क्वैट्स। इस तरीके से अपने पैरों में गैप करेंगे, आपके पैर जो है वो बाहर डायगनली बाहर, आपके हाथ सामने। आप अपने हाथ किस तरीके से भी रख सकते हैं, ऐसे सामने इस तरीके से क्रॉसिंग में, हाथ अपने पीछे, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो ऐसे आप अपने हाथ रख सकते हैं। डाउन जाएंगे इस तरीके से। जो अगर किसी के हार्मोन अनबैलेंस है उसके लिए भी ये वर्कआउट, जो ये एक्सरसाइज है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। 3, 4, ध्यान रखिएगा जो आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। और स्टार्टिंग में मैं बोल चुकी हूँ कि आपको अपनी बॉडी के साथ कोई खींचातानी नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है उतना आपको करना है। नेक्स्ट हम लेट जाएंगे। अपनी लेग्स को फोल्ड रखेंगे और हम ब्रिज पोज करेंगे, अपनी कमर को लिफ्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। इसके भी आपको 10 से 12 बार और 3 राउंड्स करने हैं। नेक्स्ट
अपने पैर को सामने की तरफ और करेंगे पवन मुक्त आसन, इसे हम बेंट रिलीविंग पोज भी बोलते हैं। इस तरीके से और अपनी नोज को अपने नी से टच करेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो गर्दन ना उठाए। नेक्स्ट लेग टू अपने टो को पॉइंट आउट करके रखेंगे। थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको भी आपको दोनों पैरों से 10 से 12 बार करना है और इसके आप 3 राउंड्स करेंगे। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे 1 2 3 4, रिलैक्स। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप दोनों पैरों से कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। इसके आप 10 टाइम्स करेंगे और 3 राउंड्स करेंगे। अब हम दोनों पैरों को इस तरीके से हग करेंगे और रोल करेंगे इस तरीके से। लेटना है आपको, लेटना है, रिलैक्स। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ये थे हमारी कुछ एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स जो आपके फैट लॉस में काफी मदद करेगी। इनको आप जरूर ट्राई करिए और प्लीज 4-5 दिन रेस्ट लेके अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को खराब मत कीजिए। अगर आपके ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ही ज्यादा पेन रहता है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और आप ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान आप इस एक्सरसाइज को जो मैंने आज आपको बताई है इनको जरूर ट्राई करिए और बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट आया है। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।